गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। एएमयू में बोले पीएम मोदी, भारत पर है दुनिया की नजर। चुनाव ऐलान के साथ ही भाजपा सक्रिय टीम का भी किया ऐलान। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने किया कुल्लू कोविड सेंटर का दौरा, मरीजों से भी की बात। और इंग्लैंड में नए कोरोना वायरस से डर का माहौल, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द। नमस्कार, द रीव टाइम न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजना ठाकुर। अब खबरें विस्तार से। पीएम नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। पीएम ने अपने संबोधन में एएमयू के योगदान की तारीफ करते हुए कहा, सर सैयद का संदेश कहता है कि हर किसी की सेवा करें, चाहे उसका धर्म या जाति कुछ भी हो। पीएम ने कहा कि यहाँ मिनी इंडिया नजर आता है। समाज में वैचारिक मतभेद होते हैं, लेकिन जब बात राष्ट्र के लक्ष्य प्राप्ति की हो तो सभी मतभेदों को किनारे रख देना चाहिए। पीएम मोदी ने मंगलवार को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। उन्होंने इस अवसर पर कहा, हमें समझना होगा कि सियासत सोसाइटी का अहम हिस्सा है, लेकिन सोसाइटी में सियासत के अलावा भी दूसरे मसले हैं। सियासत और सत्ता की सोच से बहुत बड़ा किसी देश का समाज होता है। जब आप सभी युवा साथी इसी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो ऐसी कोई मंजिल नहीं जो हम हासिल न कर सके। पिछली शताब्दी में मतभेदों के नाम पर बहुत समय पहले ही जाया हो चुका है। अब समय नहीं गंवाना है, सभी को एक लक्ष्य के साथ मिलकर नया भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाना है। हमें समझना होगा कि सियासत सोसाइटी का एक अहम हिस्सा है, लेकिन सोसाइटी में सियासत के अलावा भी दूसरे मसले हैं। सियासत और सत्ता की सोच से बहुत बड़ा, बहुत व्यापक किसी भी देश का समाज होता है। अब वक्त नहीं गंवाना है, सभी को एक लक्ष्य मिलकर, एक लक्ष्य के साथ मिलकर नया भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाना है। मुझे विश्वास है हम सब साथ मिलकर आत्मनिर्भर भारत के सपनों को पूरा करेंगे। हम सब मिलकर देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि आज पूरी दुनिया की नजर भारत पर है। जिस सदी को भारत की सदी बताया जा रहा है, उस लक्ष्य की तरफ भारत कैसे आगे बढ़ता है, इसे लेकर सब उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि हम सबका एक निष्ठ लक्ष्य ये होना चाहिए कि भारत को आत्मनिर्भर कैसे बनाएं। प्रधानमंत्री ने एएमयू के 100 साल पूरा होने के मौके पर एक विशेष डाक टिकट भी जारी किया। महिलाओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि एक सशक्त महिला का हर फैसले में उतना ही योगदान होता है जितना किसी और का, फिर चाहे बात परिवार को दिशा देने की हो या देश को। मैं देश के अन्य शिक्षण संस्थानों से भी कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा बेटियों को शिक्षा से जोड़ें। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 21वीं सदी में भारत के छात्र छात्राओं की जरूरतों को सबसे ज्यादा ध्यान में रखा गया है। हमारे देश के युवा नेशन फर्स्ट के आह्वान के साथ देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। साथियों, एएमयू ने हायर एजुकेशन में अपने कंटेम्पररी करिकुलम में उससे बहुतों को आकर्षित किया है। आपकी यूनिवर्सिटी में इंटरडिसिप्लिनरी विषय पहले से पढ़ाए जाते हैं। अगर कोई छात्र साइंस में अच्छा है और उसे हिस्ट्री भी अच्छी लगती है तो ऐसी मजबूरी क्यों हो कि वो किसी एक को ही चुन सके।
यही भावना नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है। इसमें 21वीं सदी में भारत के स्टूडेंट्स की जरूरतों, उसके इंटरेस्ट को सबसे ज्यादा ध्यान में रखा गया है। हमारे देश का युवा नेशन फर्स्ट के आह्वान के साथ देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम मोदी ने कहा कि उत्कृष्ट इस्लामिक रिसर्च के एक केंद्र के रूप में एएमयू पर भारत के मूल्यों और लोकाचारों को दुनिया में फैलाने की दोहरी जिम्मेदारी है। देश आज उस मार्ग पर बढ़ रहा है जहां मजहब की वजह से कोई पीछे ना छूटे, सभी को आगे बढ़ने के समान अवसर मिले, सभी अपने सपने पूरे करें। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ ही राजनीतिक पार्टियों ने रणनीति बनाना शुरू कर दी है। इसके तहत भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ मंथन करके चुनाव के लिए टीम का भी ऐलान किया है। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव की घोषणा हो चुकी है। भाजपा पंचायती राज प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति का गठन प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप की अध्यक्षता में हुआ। इस समिति में भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री पवन राणा, प्रदेश महामंत्री और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के प्रभारी त्रिलोक जम्वाल, प्रदेश महामंत्री और कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के प्रभारी त्रिलोक कपूर, प्रदेश महामंत्री मंडी संसदीय क्षेत्र के प्रभारी राकेश जम्वाल, प्रदेश उपाध्यक्ष और शिमला संसदीय क्षेत्र के प्रभारी पुरुषोत्तम गुलेरिया, प्रदेश सरकार में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर और भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्षा रश्मिधर सूद सदस्य होंगी। पंचायती राज और स्थानीय निकाय का हमारे चुनाव है। प्रदेश स्तर पर चुनाव प्रबंधन समिति के लिए एक 9-10 टीम बनाई गई है जो कि प्रदेश स्तर पर पूरा चुनाव को देखेगी। इसके साथ साथ जिला में जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई है जिसमें कि जिला का अध्यक्ष हमारा 2017 के प्रत्याशी, हमारे मंत्री, हमारे विधायक और जिला का प्रभारी और सभी मंडलों के अध्यक्ष जिला की टीम में होंगे। मुख्यतः जिला परिषद के चुनाव को लेकर जिला की टीम इस चुनाव को देखेगी। बाकी पंचायत समिति और जो हमारे प्रधान और निचले प्रधान और वार्ड सदस्यों का चुनाव है उसके लिए मंडल स्तर की एक टीम बनी है जो मंडल इस बात को सारे देखेगा और पूरा संचालन और समन्वय का काम हमारे मंडल अध्यक्ष जी और मंडल की टीम करेगी। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कुल्लू में जिला कोविड केयर सेंटर का दौरा किया और व्यवस्थाओं को जांचा। अस्पताल का दौरा करते वक्त शिक्षा मंत्री पीपीई किट पहने नजर आए। 100 बिस्तरों वाले कोविड केयर सेंटर में मंत्री ने कोरोना मरीजों से अस्पताल में प्रदान की जा रही सुविधाओं, भोजन व उपचार की जानकारी ली। शिक्षा व कला, भाषा एवं संस्कृति मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू पहुंचे, जहां हाल ही में जिला कोविड केयर सेंटर की स्थापना की गई है। अस्पताल में गोविंद सिंह ठाकुर और विधायक सुरेंद्र शौरी को कोविड किट उपलब्ध करवाई गई। इस दौरान उन्होंने कोविड मरीजों से मुलाकात की और उनका कुशल क्षेम भी पूछा। इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि कुल्लू में खोला गया कोविड कुल्लू केयर सेंटर प्रदेश के सर्वोत्तम अस्पतालों में से एक है। यहां सभी व्यवस्थाएं बेहतरीन है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में मरीजों से भी उन्होंने बात की है और मरीज हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं से काफी खुश हैं। आज हमने यहां पर जो तेगू बेड से कुल्लू अस्पताल में जो हमारा DCHC सेंटर बना है उसको देखने के लिए हम लोग आए थे और अब तेगू बेड से जो जितने मरीज हैं उन सबको यहाँ पर शिफ्ट किया गया है। मैं एक बात को गौरवपूर्ण तरीके से कह सकता हूँ कि कुल्लू ज़िला का DCHC जो हमारा हॉस्पिटल बना है ये मुझे लगता है प्रदेश के जो सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ हैं उनमें से एक है। और यहाँ पर लगभग 200 हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर का अरेंजमेंट है, लगभग 200 बेडिट का, जो वर्तमान में कोई 100 के करीब बेडिट का अरेंजमेंट है और उसके सेंट्रली जो ऑक्सीजन का सिस्टम हमारा अच्छा है, CCTV कैमराज लगे हैं और अभी जितने रोगियों से हम मिले हैं हर एक से बातचीत हुई, सभी ने अस्पताल और स्वास्थ्य विभाग की सारी व्यवस्थाओं की जम करके तारीफ की। सबने कहा भोजन भी अच्छा मिलता है, सफाई व्यवस्था भी अच्छी है,
डॉक्टर बहुत अच्छे से इलाज करते हैं, अच्छे से बार बार आकर के पूछते हैं, तो किसी प्रकार का कहीं पर किसी को कोई ऐसी परेशानी नहीं लगी। और मैं आने वाले समय के लिए सभी से आपके माध्यम से यही निवेदन करूँगा कि पहले सामाजिक जो हमारी गैदरिंग थी उसके कारण मामले बढ़े थे, अभी जो सरकार ने कुछ समय तक जो सख्ती की उसके कारण से आज हम लगता है कि 60% तक हमारे मामले कम हुए हैं, सुधार होना प्रारंभ हुआ है। अस्पताल का दौरा करने के बाद शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा कि कोविड सेंटर में सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं और यह बात खुद मरीजों ने उन्हें बातचीत के दौरान कही है। उन्होंने कहा कि सरकार की हर संभव कोशिश है कि मरीजों की पूरी देखभाल सही प्रकार से हो। ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन तेजी से फैल रहा है। इस नए स्ट्रेन की पहचान सितंबर में हुई और पिछले एक हफ्ते की बात करें तो ब्रिटेन में हालात अच्छे नहीं हैं। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन की पहचान हुई है। ये लंदन और दक्षिण पूर्वी इंग्लैंड में तेजी से फैल रहा है। ब्रिटेन की सरकार ने जानकारी दी है कि नया स्ट्रेन पहले वाले वायरस के मुकाबले 70% अधिक संक्रामक हो सकता है। कोरोना वायरस के इस नए रूप को काफी खतरनाक माना जा रहा है, जिसके बाद ब्रिटेन में कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। साथ ही क्रिसमस के दौरान 5 दिन की रियायत को भी ब्रिटेन की सरकार ने रद्द कर दिया है। इस खबर के बाद से यूरोप के कई देशों ने ब्रिटेन की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत ने भी इस पर चिंता जताई है और ब्रिटेन आने जाने वाली सभी यात्री उड़ानों पर रोक लगा दी है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि इसे लेकर डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। ब्रिटेन में औसतन हर घंटे कोरोना वायरस से 2 लोगों की मौत हो रही है, जिसे देखते हुए तुर्की और स्विट्जरलैंड ने भी ब्रिटेन से आने वाली सभी उड़ानों पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। There's no evidence to suggest the vaccine will be any less effective against the new variant. Our experts will continue their work to improve our understanding as fast as we can. So we're learning about it as we go, but we already know enough, more than enough, to be sure that we must act now. इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए तरीफ टाइम्स। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर।